आज की रेसिपी है पीस मटन कीमा। और यहाँ उसके लिए इंग्रेडिएंट्स है मटन, पीस, टमाटो क्यूब्स, थिनली स्लाइस्ड ऑनियन, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, मीट मसाला, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, कोरिएंडर लीव्स, सॉल्ट, वाटर एंड ऑयल। और यहाँ मैंने मटन को पहले मैरिनेट किया है थोड़ा सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर के साथ। पहले कढ़ाई में थोड़ा ऑयल गरम करेंगे, उसमें ऑनियन को फ्राई करना है जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाता। ऑनियन ब्राउन हो जाए तब ऐड करेंगे जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और उसको अच्छे से सौते करना है जब तक एक रॉ स्मेल होता है वो चला ना जाए। अभी चिलीज ऐड करना है, चिलीज अब अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। उसके बाद टमाटो ऐड करना है और टमाटो को कुक होने के लिए एक दो मिनट के लिए छोड़ दें। टमाटो कुक हो जाए उसके बाद हम ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ मटन। मैं यहाँ पे मैरिनेट की हूँ सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर के साथ। वो मैंने नहीं मेंशन किया, मतलब वो मैंने नहीं दिखाया, पर मैंने वो मेंशन किया इंग्रेडिएंट्स के टाइम। मटन को 5 मिनट ऐसे मसाले के साथ कुक होने के लिए छोड़ दें और दूसरे साइड में सारे ड्राई मसाले को वाटर के साथ मिक्स करूँगी। पहले कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड मीट मसाला, ये सारे मसाले को पानी के साथ अच्छे से लिक्विड फॉर्म में लाना है और इसका कंसिस्टेंसी ऐसा होगा। 5 मिनट बाद अभी हम लिक्विड जो मसाला बनाया अभी वो हम ऐड करेंगे मटन में। और थोड़ा पानी भी उसमें डाल के जो बाकी के मसाले हैं वो डाल देंगे। उसके बाद सॉल्ट, वो भी स्वाद अनुसार। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसको कुक होने के लिए छोड़ दें अनदर 5 मिनट्स। पाँच मिनट बाद यहाँ दिखेगा मसाले से ऑयल निकल रहा है। और अभी हम अच्छे से मटन को कुक होने के लिए पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 3 कप पानी ऐड किया क्योंकि ये मटन है तो इसलिए इसको कुक होने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैंने यहाँ 15 to 20 मिनट्स कुक होने के लिए छोड़ दिया और वो 20 मिनट कुकिंग के बीच में मैं अभी ऐड करूँगी पीस। और यहाँ में हमारा जो रेसिपी वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है तो एकदम लास्ट में हम ऐड कर रहे हैं गरम मसाले और कोरिएंडर लीव्स। और एक बार लास्ट में सब एक बार मिक्स कर ले और बस फाइनली बन गया आज का रेसिपी पीस मटन कीमा। अब इसको गरम गरम कोई रोटी या नान के साथ या फिर राइस पुलाव के साथ सर्व करें। एंजॉय। Hey friends, welcome back to my channel. I'm Riya. I make videos related to food, travel and lifestyle. If you haven't subscribed to my channel, please do subscribe and hit the bell icon to get notified. You can follow me on Instagram, Facebook and Twitter. और आज का रेसिपी आपने देखा, हमने बनाया पीस मटन कीमा। और ये है रेसिपी, आपने देखा काफी मतलब बनाना बहुत ही इजी है, ज्यादा ट्रिकी नहीं है। और इसको हम ब्रेड या फिर किसी राइस के साथ सर्व कर सकते हैं गर्म गर्म, ये अभी तक काफी गर्म है। और इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप एंड कमेंट बिलो। इफ यू हैव एनी वीडियो रिक्वेस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।